मोदी सरकार में देश का रक्षा तंत्र मजबूत हुआ महाराज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घर बने, 13 करोड़ और बनाने का संकल्प। प्रिय साथियों नमस्कार। उक्त बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक सतपाल महाराज ने गुरुवार को कल्याणपुर गुरम नगर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वास्थ्य कुछ नासाज होने के कारण वह सभा में नहीं आ सके, लेकिन इस मौके पर उनके पुत्र नीरज सिंह के अलावा लखनऊ पूर्व विधानसभा से विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने जनसभा के प्रतिभाग किया। इसके पश्चात श्री महाराज राजनाथ सिंह जी का हालचाल जानने उनके आवास पर भी गए। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री महाराज ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के मामले में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाने और 3 तलाक को खत्म करने के जैसे सभी वादे पूरे किए गए। भाजपा के स्टार प्रचारक श्री महाराज ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया है और हमने अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से 3 करोड़ घर में नया बनाने का संकल्प लिया है। मोदी सरकार ने जन धन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, हर घर जल नल के तहत स्मार्ट सिटी नमामि गंगे योजना के अलावा वंदे भारत ट्रेन, 80 नए एयरपोर्ट, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण और नए संसद भवन के सौगात भी देश के लोगों को दी है। श्री महाराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बतौर शिक्षा मंत्री के अपने कार्यकाल में दौरान उन्होंने नकल पर लगाम लगाने और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ ही इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में मौजूद भ्रामक जानकारियों को दूर करने जैसे अहम कार्य किए। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कई राजनीतिक संगठनों के दौरान पार्टी को मजबूत नेतृत्व देकर सक्षम बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश के हर कोने का दौरा किया। उन्होंने भारत सुरक्षा यात्रा भी की जिसमें आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की समस्याओं से परेशान कई राज्यों, जिलों और जगहों के दौरे शामिल थे। उन्होंने महंगाई, किसानों के मुद्दों और यूपीए सरकार की कई नीतियों पर प्रहार किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक सतपाल महाराज ने कहा कि बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत का रक्षा तंत्र आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इसे भारतीय की भावना के साथ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रक्षा नवनिर्माण, आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का जिक्र करते हुए श्री महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु में रक्षा आयोग गलियारों की स्थापना सरकार का एक बड़ा कदम है। सरकार ने देश के जनता के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की रक्षा प्रणाली को एक नई ऊर्जा से प्रेरित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना के साथ वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राजनाथ सिंह जैसे शक्तिशाली नेतृत्व के कारण हमारी सेनाओं में दृढ़ इच्छा शक्ति है।